फेस्टिव सीजन नू होर फेस्टिव बनाउन लई आज मैं बनावांगी क्रिसमस ट्री पुल अपार्ट ब्रेड। ए सॉफ्ट है, टेस्टी है विद फ्लेवरफुल फिलिंग है। आओ देखिए किस तरह बनती है। इसलिए मैं लिया है 2 कप मैदा, 2.5 छोटे चम्मच यीस्ट, 1/2 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच चीनी दा, 1 बड़ा चम्मच तेल ते 3/4 कप पानी। एक बाउल विच यीस्ट पाके ते चीनी पाके ते थोड़ा जिहा पानी पाके इसनू अच्छे नाल मिक्स कर लो ते 10 मिनट लई रेस्ट लई छड़ दियो ताकि साडी यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। जब तक साडी यीस्ट एक्टिवेट हो रही है मैं एक बड़े बाउल विच अपना मैदा, नमक, तेल पाके अच्छे नाल मिक्स कर लो। इस विच 3/4 कप कोसा पानी ते अपना यीस्ट मिक्सचर ऐड कर लो। अपने साटे नू गुन लो। मैं एक बीटर यूज कर रही हूं, तुसी चाहो ता हाथ नाल भी आटा गुन सकदे हो। जब सारा आटा इकट्ठा हो जाए ता इसको मैट पे कट के या खुले बर्तन विच कट के अच्छे नाल गुन लो। आटा हुने स्टिकी है, तुसी जिस तरह इन्नू गुन्नी जाओगे ए नॉन स्टिकी ते स्मूथ हुंदा जाएगा। तुसी लगभग 5 to 10 मिनट इस आटे नू गुन्ना है। आटा हुन तैयार है ते तुसी एक हल्के फिंगर प्रेशर नू पाओगे ता आटा बाउंस बैक होएगा। हुन हल्का जिहा तेल लेके इस नू अच्छे नाल आटे ते ला लो ते अपने बाउल ते भी लगा लो ताकि आटा साडा इहदे नाल चिपके ना। क्लिंग फॉइल ना कवर कर लो ते इसनू लगभग 2 घंटे ले या जब तक कि आटा डबल साइज दा ना हो जाए इसनू रेस्ट ले छड़ दियो। हुने पैन विच 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच बारीक कटिया होया लसन पाके अच्छे नाल इसनू मिक्स कर लो ते लाइट गोल्डन ब्राउन होन तक कुक कर लो। हुन इस विच 1 कप पालक जिड़ी की मैं बॉईल कर ली है उसनू इस विच ऐड कर दो। तुसी इसनू उदो तक पकाना जब तक कि पालक दा सारा पानी सुख ना जाए। हुन इस विच 1/2 चम्मच नमक ते 1/2 चम्मच काली मिर्च पाके अच्छे नाल मिक्स कर लो ते हल्की गैस ते कुक कर लो। पालक रेडी है, इसनो एक बाउल विच कट लो। इस स्टफिंग विच एक मिर्च, थोड़ा जिहा धनिया, थोड़ा जिहा पुदीना ऐड करके इसनो पीस लो। हुन एक बड़े बाउल विच 1 कप हंग योगर्ट ते अपना स्पिनिच वाला मिक्सचर इस विच ऐड करके अच्छे नाल मिक्स कर लो ते साड़ी स्टफिंग तैयार है। हंग योगर्ट बनाने लई मैं लगभग 2 वड्डी कौलियां दही दिया मलमल दे कपड़े विच 1 to 2 घंटे लई टंग दित्तियां सी। आटा डबल साइज दा हो गया है, हुन इस नू बाउल चो कढ लो। इस उत्ते हल्का सुक्का आटा लगा के इस दी एक बॉल बना लो ते इस नू 2 हिस्सियां विच वंड लो। बटर पेपर ते थोड़ा जिहा सुक्का आटा लगा के ते एक पोर्शन ऑफ डो लेके उसनू ट्रायंगल दी शेप दे दो।
चाकू की मदद ना अपनी ट्राइंगल की साइड्स नू स्मूथ कर रही हूँ। हम चाकू नाल काट के इस नू क्रिसमस ट्री की शेप दे दो। बेकिंग ट्रे पे शिफ्ट कर दो। हम बटर पेपर पे दूसरे पोर्शन ऑफ डो नू इस तरह ही क्रिसमस ट्री दी शेप दे दो। साइड पे रख दो ते अपनी बेकिंग ट्रे वाले ट्री ते अच्छे नाल अपनी स्टफिंग नू स्प्रेड कर दो। हुण दूसरे पोर्शन नू इस पोर्शन दे उते शिफ्ट कर दो। जे शिफ्ट करते हुए या वेलते हुए थोड़ा जहा डिफरेंस रहे शेप का तो इस तू खिंच के दोनों नू इक्वल कर दो। चाकू की मदद ना इसकी साइड से कट पा लो। सारे कट इक्वल डिस्टेंस से होने चाहिए। हर पोर्शन नू डबल ट्विस्ट कर दो। गार्लिक बटर जड़ा कि मैं करे बनाया है थोड़े जे बटर ते गार्लिक नू हल्का जहा गरम कर लिया ते उस नू एक ब्रश दी मदद ना इस उत्ते स्प्रेड कर दे। इसे चाहो तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हो। इस उत्ते मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर दो ते अपने प्री हीटेड ओवन ते 180 डिग्री सेंटीग्रेड ते 10-15 मिनट्स लिए बेक कर दो या जब तक कि ये हल्की लाइट ब्राउन ना हो जाए। तैयार है और इसको अपनी फैमिली नाल अपने मनपसंद डिप ना एंजॉय करो। मैं डॉक्टर अवनीत ताड़े लिए सिंपल ते इनोवेटिव डिशेस लेंदी रवांगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।